ने बोला कि इस तरह की खैरात नहीं चाहिए तो पहला ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप किस तरह से देखते हैं और दूसरा ओएसी को आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात मुस्लिम पर्सनल लॉ एक एनजीओ है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दस करोड़ तो दिल्ली में होंगे और रहा सवाल आप ओनर है ही नहीं तो आप जमीन कैसे लेंगे आपका फैसला आपके पास था ही नहीं आपके आप प्रॉपर्टी आपकी हुई नहीं तो आपको पांच चक्कर भी तो मैं देना नहीं चाहिए पांच चक्कर वो तो मुगलों को आना चाहिए तो वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो पांच चक्कर भी दे तो इस मुस्लिम कम्युनिटी को दे रहे हैं वो वॉक बोर्ड को इधर नहीं दे रहे हैं या कोई मुस्लिम पर्सन लॉकूमेंट दे रहे रहा जहां तक अवैसी का वो तो आपको पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि इसको अपनी टीआरपी बढ़ाना है एक्चुअली मैं आपको उसकी आज हिस्ट्री बता देता हूं अवेशी की आप बैकग्राउंड स्टार्टिंग क्योंकि आज आज का जो इसका स्टेटमेंट था इसकी मुस्लिम पर्सनल अल्लाह के जिलानी साहब भी बोले कि भाई हमें कोई इतराज नहीं है हिंदुस्तान के तमाम उलमाए मुसलमान जो है इसको एक्सेप्ट किए लेकिन इसने आज एक बीज डाला है इस वजह से मुझे कोई अवैसी से दुश्मनी नहीं है लेकिन आज मैं आपके चैनल के जरिए ये बताना चाह रहा हूँ हिंदुस्तान के मुसलमान सारी दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि ये एक जो है रावण समझिए आप इसको इसके फादर का नाम जो है सुल्तान अद्दीन अवैसी है 2007 में इसके फादर को लैंड ग्राफर प्रदेश हाई कोर्ट इसको का टाइटल दे चुका है इसके फादर फादर, इनके ग्रेट फादर का नाम जो है तुलसी रामदास जी है आप विकिपीडिया चेक कर लीजिए कहीं पर अब्दुल अवेसी का नाम नहीं मिलेगा अब्दुल वा, अब्दुल वाहद था एक टेरिटर था उसको कई बार जेल में डाल दिए तो ये खानदान जो है और इसकी एक सा खास बात ये देखिए कि नहीं भीख मांगने का हम मैं है, हैदराबाद में भीख मंगा तो लोग मुझे भिक देते तो ये है, है, है भिखारी क्योंकि इसलिए भिखारी बोल रहा हूं इसकी आदत इन्हें पढ़ाई किया लंदन जाके भीख से क्योंकि पब्लिक का पैसा है पूरा इसने जो मकान में था रेंटेड मकान आज से 20-25 साल पहले जो है इसके पास रेंटेड मकान में था इसके फादर के पास नौ गाड़ी थी आप हैदराबाद से पूछ सकते थे आज 5000 करोड़ के मकान में बैठा हुआ है तो ये पैसा जो है भीख का पैसा है तो ये भिखारी जो है भिकारी की तो आप कितने भी लाके कहीं भी रखो तो भिकारी को तो आदत जाएगी नहीं भीख मांगने की जैसे शाही खानदान के मुग़ल खानदान के हम हमेशा जनता को देते आए तो हजार साल भी और जाएंगे तो शेर का जो बच्चा रहेगा वो हजार साल के बाद भी रहेंगे तो वो कभी घास नहीं खाएगा क्योंकि ब्लड में तुम पंडित है तुम्हारे आबो अजदात खानदान के भगवान जो है तुम्हारे ठीक है तुम इस्लाम कबूल करे बहुत अच्छी बात है तुम्हारे दादा इस्लाम में आए लेकिन तुम अपने आबो अजदादा तुम्हारे खून को तुम गालियां दे रहे हैं और तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों के जो है फितना पैदा करने के लिए जो है तुम ये बयान दे रहे हैं कि आप आप तो देश दो ही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कह रहे हैं कि मैं भीख दे रहे हैं कि हम के पांच एकड़ नहीं लेते आपको देरा कौन आपका टाइटल उनके बाबर के वारिस है क्या आपके वालदा या दादी बाबर साहब के पास गए थे या आपके अब्दुल वाहिद के वालदा जो है मुग़लों के कोई हमारे कोई खानदान में आए थे तो आपका कोई रिलेशन नहीं है आपका कोई टाइटल से कोई ताल्लुक नहीं है ये टाइटल सूट है ये वो खुद बोलता बात है टाइटल सूट है टाइटल सूट है और सुप्रीम कोर्ट जो है आस्था की बुनियाद पर नहीं दिया टाइटिल वहां पर खुदाई में जो है आई को मिले और तीनों के पास टाइटल नहीं था और वो जाता अगर बाबर के पास भी जाता हमने पहले से कह रहे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, की प्रॉपर्टी है अगर वो बाबर को जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आती थी क्योंकि इस बाबर के बाद मुगलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई ईस्ट इंडिया के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया तो ये जो भिकारी है इसकी भीख मांगने की आदत है और ये नंबर वन का जो है फितना पैदा करना इस, इसकी बायोग्राफी आपको मालूम है इसका छोटा भाई के बारे में भी जो है देश है देशद्रोही ये लोग खानदानी पंडित थे आप इसकी हिस्ट्री मैं तो हजारों बार चलन से पूछा भाई आपके ग्रैंडफादर मेरा शिजा तो आप सुप्रीम कोर्ट एडमिट करा हर चीज का रिकॉर्ड है तो जो खानदान से आप जो राम के खानदान से आप पैदा होके आए ठीक है अलहमदल अच्छी बात है कि आप इस्लाम कबूल कर लिया आपके ग्रैंड फादर इज वेरी गुड वी एक्सेप्ट लेकिन आप मुसलमानों का नाम मत खराब करो हमारे ईमान वालों के हमारे हजार सात से हम ईमान वाले हैं मुसलमाना आप 50 इयर्स पहले ईमान मुसलमान बन के जो है हमारे टीआरपी लेना है हिंदुस्तान का ये, ये चरणों में बच्चों के दिमाग में फितना जा रहे हैं तो मैं तो चाहूंगा ऐसे देशद्रोहियों को जो सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करते इसकी एमपी की सीट खेड़े इसको जेल को भेजाए और हो सकता अगर पार्लियामेंट में नया खलता है ऐसे लोगों को तो फांसी दे देना चाहिए लेकिन प्रिंस आप ये बताएं ये जितनी सारी बातें आपने ओएसी के अगेंस्ट जो भी आप बता रहे हैं इसके साक्ष्य प्रमाण क्या है कि वो कुछ साल कुछ तीन पीढ़ी पहले वो हिंदू हुआ करते थे कन्वर्ट हुए इस ये इसके जिक्र आपको कहाँ से मिलते हैं आपने कहाँ से निकाला देखिए दारू सलाम जो एम आई एम का हेडक्वार्टर है है हैदराबाद के अंदर उसकी विकीपीडिया पढ़ी आप ये जो फाउंडर था ये जो हैदराबाद के एक नवाब थे बहादुर याद जंग इसके ग्रैंडफादर जो औसा से आए थे जो जो टोटो होकर आए थे तुलसी रामदास जी के जो बेटे थे अब्दुल वहाद वाह अवेसी के ग्रेड वहां पर प्यून थे वहां पर और उनका एक डेथ जो है विकीपीडिया चेक करिए गूगल में अब्दुल वहाद की जो डेथ हुई वो जो है पॉइजन देके मारे उनको थर्टी पॉइजन देके मारे सस्पेक्टेड किलर भी है वो मतलब वो पकड़ने का तो और प्यून इमीडिएटली अपने आप को डिक्लोज कर देता कि डि मैं सलाम का मालिक हूं बोल तो इनके फादर्स की भी नहीं है अब रहा सवाल प्रूफ की बात यह है कि हर एक आदमी की एक विकीपीडिया होती और दारूसलाम इतना बड़ा हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर के अंदर अब्दुल अब्दुलवाद का रिकॉर्ड होना चाहिए था फादर का नाम वहां पर रिकॉर्ड में नाम नहीं है विकीपीडिया में नाम नहीं है आप उनसे पूछिए रिकॉर्ड कहाँ है बोलकर कहा रिकॉर्ड नहीं है जैसा मैं आपको पूछा तो मैं दे रहा हूं और रहा सवाल आपकी इसकी, इसकी फकीरी पन्ने की आदत देखिए आज से चार बीस साल पहले जो बाबरी मस्जिद जब टूटी कांग्रेस से मिलकर जो है करोड़पति मेडिकल कॉलेज का परमिशन मिला उसको और दूसरी चीज किराए के मकान में नहीं था हैदराबाद से किसी पूछिए इसके बाद किराए के मकान से हिमात के मकान में गया अब जो मकान में है उन्हें पाँच हजार करोड़ के मकान में है तो ये सब क्या है पब्लिक को बेवकूफ बना के दीवाना बना के जो है इन्हें हरकतें कर रहा तो ये जो अवेशी का नाम आज जो हरकत की उसने किया है मुझे कोई पर्सनली से दुश्मनी नहीं है लेकिन जो आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हमारे देश के बड़ा सबसे बड़ा कानून की जो जोिन क्या है आज ये बात बोला कि हम भीख मांगता हूं मुल्क तू भि है भिखारी रहेगा इसके बाद सात खानदान भी भिखारी रहेगा और तुम पंडित है और पंडित रहेंगे ठीक है तुम मुसलमान बने लेकिन तुम्हारा डीएनए कन्फर्म करेंगे तो हंड्रेड तुम श्री राम भगवान के औलादों में से है तुम